इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान ना पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मगर आज मसीही जाग कह रहे हैं, वे तो गेट के सामने वाली लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, उसको मनाने में लगे हुए हैं। कहीं वह मुझसे रूठ न जाए, कहीं वह मुझसे बोलना न बंद कर दे। बस एक लड़की मिल जाए और हम उससे शारीरिक संबंध बना सके। लड़कियों सुनो, अगर आपको सीरियल देखने की आदत पड़ गई है तो अभी से बंद कर दो। हे मेरे भाइयों, अगर आपको गुटखा मसाला सिगरेट और दारू शराब पीने की आदत पड़ गई है तो अभी से बंद कर दो। परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो, वरना परमेश्वर को नष्ट करके रख देगा। आज मस्जिद सिर्फ नाम की मस्जिद रह गई है। एक मसीही को यह जरूर पता होता है कि यीशु ने कहा है व्यभिचार मत करो, मगर वह फिर भी पाप करता है। उसको वचन भी मालूम होता है कि यीशु ने कहा है भैया व्यभिचार मत कर, व्यभिचार एक पाप है, फिर भी वह पाप करता है। हम यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, ये भी मालूम है कि यीशु परमेश्वर है भैया, मगर मैं रात को लड़की से बात करता हूँ और सुबह उठकर प्रार्थना करता हूँ, और ऊपर से परमेश्वर क्या बोलता है, तू चिंता मत कर, जब तू ऊपर आएगा तब तुझे आग से नमकीन करूँगा, आग में तुझे जिंदा जलाऊंगा। आज एक मसीही लड़की शादी से पहले अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती है और रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती है और क्या बोलती है, जानू कहाँ हो, खाना खाया, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, और ऊपर से परमेश्वर क्या बोलता है, तू चिंता मत कर, जब तू ऊपर आएगी तब तुझे आग से नमकीन करूंगा। ऐसी लड़कियों को परमेश्वर आग में जिंदा जलाएगा। और फिर वही मसीही लड़की प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करती है और कहती है, प्रभु हमें क्षमा करें, हमारे ऊपर दया करें, हमें क्षमा करें। परमेश्वर कहता है, तू चिंता मत कर, तुझे आग से नमकीन करूंगा। मेरी बात को याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को जिंदा जलाएगा मसीह विरोधी के दिन में, जब 7 साल का मसीह विरोधी का दिन होगा। अगर कुछ ना कुछ पाप करके यहाँ पर रह गए तो परमेश्वर आपको यहाँ जिंदा जलाएगा इस पृथ्वी पर इस सूरज की किरणों से, और मरने के बाद परमेश्वर उसको आग में नंगा ही डालेगा, और ना वहाँ आग बुझेगी और ना वहाँ कीड़े मरेंगे। हमेशा हमेशा के लिए उसको डाला जाएगा और नर्क का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, जैसे प्रकाशित वाक्य 16:8 में लिखा हुआ है। वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है भैया, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने मसीह भाई बहनों के पास। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सब विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। जब चौथा कटोरा इस सूर्य पर उंडेला जाएगा, जो मनुष्य यहाँ पर रह जाएंगे यीशु के साथ रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, उन लोगों को परमेश्वर जिंदा जलाएगा इस सूरज की किरणों से। वो इस सूरज की किरणों को परमेश्वर आग का गोला बना देगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलस जाएंगी, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी कुछ न कुछ पाप करके यहाँ पर रह गए तो। आपका वो बुरा हाल होगा, आपको रोना भी नहीं आएगा। अगर आपके पास चाहे जितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो उसे अभी छोड़ दो, वो लड़की ही आपको नर्क में ले जाएगी। जब अंत का समय चल रहा है तो आप पाप कर रहे हो, पैसों के पीछे भाग रहे हो, अरे यहीं लटक जाओगे। अगर जो यहाँ लटक गया वो गया हमेशा के लिए नर्क की झील में। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो वहाँ कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, फिर वहाँ आपको कोई मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यीशु ने कहा है, एक बार मरना फिर उसके कामों के अनुसार न्याय करना बहुत ही जरूरी है। वो आत्मा धनवान की साइड या तो अब्राहम की साइड चली जाएगी जब यीशु न्याय करने को बैठेगा। तो मेरी बात को याद रखना मेरे भाइयों, तब जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो उसे आत्मा में नहीं डाला जाएगा, आत्मा में नर्क में नहीं डाला जाएगा, वही शरीर पहनाया जाएगा जिससे अपने व्यभिचार और गलत काम किया है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग हस्तमैथुन करते हैं, अगर आपको हस्तमैथुन करने की आदत पड़ गई है मेरे भाइयों और बहनों तो उसे अभी बंद कर दो, वरना यही मस्ती आपको एक दिन नर्क में ले जाएगी। शैतान को मालूम है कि एक मसीही किस पाप में गिरता है, और वह शैतान उस मसीही को उसी पाप में गिराता है। जो मसीही वचन में मजबूत होगा
वही उस शैतान को वचन से हरा पाएगा। अगर जो वचन में, जो मसीह वचन में कमजोर होगा, वही उस शैतान की जाल में फंस सकता है। जब शैतान इब्लीस यीशु की परीक्षा लेने आया तो शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे यह पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु ने शैतान को वचन से हराया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। मेरे प्रियो, यीशु ने शैतान से कोई लड़ाई नहीं की, सिर्फ उसको वचन से हराया, सिर्फ वचन से। मगर आज एक मसीही को वचन तो मालूम होता ही नहीं है, क्योंकि वह बाइबल तो पढ़ते ही नहीं है। सुबह शाम अपने फोन पर हेलो नमस्ते गुड बाय करते रहते हैं। अगर आपके अंदर वचन नहीं होगा तो तुम शैतान से ये नहीं कह सकते कि ये लिखा है या वो लिखा है। शैतान तुमसे पाप करवा के चला जाएगा, शैतान तो नरक में जाएगा और साथ में तुमको भी ले जाएगा, क्योंकि वह उसमें अकेला जाना नहीं चाहता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। परमेश्वर के लिए आप आत्माएं बचा सकते हैं। तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भैया, आप सभी को जय मसीह की।